नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हुरिया। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है, ऐसे में इसे पूरा हंगामेदार होने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें, विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है जहरीली शराब से हुए 50 लोगों की मौत पर। दूसरा मुद्दा जो काफी तुल पकड़ेगा वो है बेरोजगारी का मुद्दा। नियुक्ति पत्र जो है शिक्षकों की नहीं मिली है वो मुद्दा। बीएसएससी भी एक मुद्दा हो सकता है, हालांकि पिछले बार भी यह मुद्दा उठाया गया था। हम आपको वो पूरा ब्यौरा देने वाले हैं 5 दिन का, चूंकि यह शुक्रवार तक ही चलेगा, तो 5 दिन के ब्यौरे में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम आज की बात करते हैं तो सोमवार यानी 29 नवंबर को पहली बार तारापुर से चुनकर आए राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से आए अमन हजारी का शपथ ग्रहण होगा। और इसके बाद आज ही बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्याप्ति अध्यादेश की प्रमाणित कृत को सदन पटल पर रखा जाएगा। फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरे अनुपूरक व्यय विवरण की उपस्थापना पर सदन में चर्चा की जाएगी। करीब 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अंत में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। तो कई विधायक पास होने की बात कही जा रही है। सबसे पहले हम मंगलवार यानी कि 30 तारीख और बुधवार 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर और 30 नवंबर को राजकीय विधायक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा की जाएगी। यह दोनों दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। गुरुवार यानी 2 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दूसरे अनुपूरक व्यय विवरण पर वाद विवाद होगा, मतदान और विनियोग विधेयक पास किए जाएंगे। वहीं इस सत्र के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को 3 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य यानी गैर सरकारी संस्थान पेश किए जाए, संकल्प पेश किए जाएंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित कर दी जाएगी। विपक्ष का आरोप रहेगा सत्र को छोटा किया गया, लगातार ये आरोप है उनका। उन्होंने ये कहा है कि जानबूझकर सत्र को छोटा किया गया है। विपक्ष के नेता यह लगातार कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है, इसलिए इस सत्र को छोटा रखा गया है। दोपहर से बैठकों का दौर चलना है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से NDA विधानमंडल दल की बैठक होगी। सरकार सदन चलाने को लेकर विधायकों के साथ और विधान पार्षदों के साथ रणनीति तैयार करेगी। वहीं राजद विधानमंडल की बैठक भी सोमवार 4 बजे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर होनी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अध्यक्षता करेंगे। उधर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा के आवास पर सोमवार शाम पार्टी की बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के नेता जहरीली शराब से हुई मौतों और बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मियों के प्रवेश के मुद्दे को उठाएगी, उस पर विचार करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।